और तुम्हारा जो कोड है वो ओवरऑल हर जगह यूज हो जाता है। सो दैट्स द पावर ऑफ रिएक्ट। फुल स्टैक में क्या होता है, तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पार्ट आ जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए। सो यू आर रेडी टू डिलीवर फॉर अ जॉब। पूरा डीप डाउन करूंगा कि ये चीज सीखनी है तो यहां से पढ़ो, ये वाली चीज सीखनी है तो यहां से पढ़ू, तो पूरा एंड टू एंड पूरा कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सर, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बेस्ट फ्री रिसोर्स फॉर लर्निंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या फॉर बिकमिंग अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो यार, फुल स्टैक वेब डेवलपर एक ऐसा डोमेन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स हैं, राइट? बिकॉज फुल स्टैक में क्या होता है, तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पार्ट आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। सो यू आर रेडी टू डिलीवर फॉर अ जॉब। तुम अच्छे से वेबसाइट बना लेते हो पूरा एंड टू एंड, और उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसी और फील्ड में नहीं है एज अ प्रोग्रामर। तो मैं उसका आज बेस्ट फ्री रिसोर्स बताने वाला हूं। पूरा डीप डाउन करूंगा कि ये चीज सीखनी है तो यहां से पढ़ो, ये वाली चीज सीखनी है तो यहां से पढ़ू, तो पूरा एंड टू एंड पूरा कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। तुम्हें इस वीडियो के बाद उसको बस जस्ट फॉलो करना है और तुम एक अमेजिंग फुल स्टैक वेब डेवलपर बन पाओगे, ठीक है? तो उसका एक बेस्ट फ्री रिसोर्स बताने वाला हूं एंड उस फ्री रिसोर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है टू बिकम अ ग्रेट फुल स्टैक वेब डेवलपर, वो भी बताने वाला हूं। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, एंड तक रहना, अच्छे से समझ लेना और फिर अच्छे से पाथ को फॉलो करना। और अगर पसंद आए वीडियो, रिसोर्स पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। वी वॉन्ट यू ऑल टू लर्न एंड ग्रो एज मच एज यू कैन, ओके? सो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल को, अगर अभी तक नहीं करा है। ये चीजें मिस मत करना, इससे हमारा थोड़ा सपोर्ट हो जाता है एंड डेफिनेटली वी विल कीप गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार, बेस्ट फ्री रिसोर्स कौन सा है जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है, विच इज अवर कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो में हमारे बहुत सारे गाइडेड पाथ से डेटा स्ट्रक्चर्स के, कॉम्पिटेटिव के, C++ के, जावा के, बहुत सारे टाइप के OS, सिस्टम डिजाइन। अब क्या है, डेवलपमेंट भी आ गई है वहां पर। वेब डेवलपमेंट की हर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग गाइडेड पाथ्स हैं, अमेजिंग गाइडेड पाथ्स हैं विद नोट्स, MCQs, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्टेंट है। तुम्हें बस उससे पढ़ाई करनी है और फॉलो करते चले जाना है और तुम एक अमेजिंग फुल स्टैक वेब डेवलपर बनोगे। एंड एक काम करते हैं, एक रोड मैप टाइप डिस्कस करते हैं कि ये जब फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते हैं तो पहले ये चीज सीखनी होती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा गाइड पाथ है, फिर उसके नेक्स्ट हमें क्या सीखना होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो यार, सबसे पहले जब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं, हमें सबसे पहले HTML वगैरह करना होता है, राइट? दैट इज अ बेसिक। तो बेसिकली HTML के कॉरस्पॉन्डिंग एक गाइड पाथ है, विच इज फंडामेंटल्स ऑफ HTML, बिल्कुल स्क्रैच से बनाया हुआ है। HTML अगर तुम्हें नहीं भी आती बिल्कुल भी, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ोगे, नोट्स हैं, ऑर्डर्ड वे में कंटेंट है ना, कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कैसे क्लास अप्लाई होती है, ये सब चीजें उसमें अच्छे से हमने HTML में बता रखा है। फॉर्म्स कैसे बनते हैं, पूरा एंड टू एंड अच्छे से कवर्ड है। उस HTML वाले गाइड पाथ को अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम्हें HTML अच्छे से आ जाएगी। दैट इज अ बेसिक यू हैव टू डू। साथ साथ उसमें हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट आइडियाज भी डाल रखे हैं जो तुम साइड बाय साइड बना सकते हो, एंड दैट विल रियली बूस्ट योर प्रिपरेशन एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है? तो HTML के कॉरस्पॉन्डिंग एक फंडामेंटल ऑफ HTML का गाइड पाथ है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है तुम्हारा CSS। CSS किसके लिए होता है, सुंदर बनाने के लिए। अभी तुम रैंडम चीजें कर रहे होते हो बट CSS हमें सीखना पड़ता है। CSS एक अच्छे तरीके से सीखना होता है, काफी लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, मैं अपने टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता था। तो एक अच्छी CSS लिखना एक अच्छे फुल स्टैक वेब डेवलपर की निशानी है। तो CSS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड CSS में भी हमने एक स्ट्रक्चर वे में बना रखा है कि कैसे एक अच्छी CSS लिखी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे अप्लाई होती है। और एक बेसिकली एक होता है जेनरिक CSS लिखना कि ये मैं इस पेज पे लगाऊंगा तो दूसरे वाले पेज पे भी लग जाएगी, थोड़ी कॉमन चीजें कैसे सोचना होता है, वो सब चीजें ढंग से हमने CSS में कवर कर रखी है। दिस इज योर बेस। HTML CSS जब आ गई तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ चीजें बनानी आ गई, वेब पेज बनाने आ गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है HTML CSS के बाद, कौन सा पार्ट आता है जो तुम्हारा कोर है वेब डेवलपमेंट का, विच इज जावास्क्रिप्ट, राइट? हमने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट नाम का एक गाइडेड पाथ बना रखा है, उसमें काफी ज्यादा बिल्कुल बेसिक से सिखा रखा है कि यार एरेज कैसे बनाते हैं, मैप्स कैसे यूज करते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लोजर्स वगैरह कैसे लिखते हैं, राइट? पूरा एंड टू एंड अच्छे से कवर्ड है। जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट में अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या क्या चीजें अच्छे से आनी चाहिए, कैसे एक अच्छी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, वो पूरा नोट्स एंड MCQs के साथ बना हुआ है। साथ साथ उसके अंदर कोडिंग क्वेश्चंस भी हैं, जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं उनको हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं।
तो उस जावास्क्रिप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो गाइड पाथ है वहां पर तुम अच्छे से फॉलो कर करके तुम्हें जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे से आ जाएगी, नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, कोडिंग क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा और जावास्क्रिप्ट में भी अच्छे हो जाओगे। जो भी हमें जावास्क्रिप्ट में सीखना होता है वो उसमें पूरा एंड टू एंड ढंग से कवर्ड है और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे को डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी अगर बेस बनाना है जावास्क्रिप्ट का तो उससे भी बन जाएगा। तो तुम्हारे जो फर्स्ट फ्यू पार्ट्स होते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड के भी कोर पार्ट है, ये तुम्हें अच्छे से आ जाएगा इन तीनों गाइडेड पाथ्स के बाद, राइट। वन दीज थ्री गाइडेड पाथ्स आर ओवर तो तुम्हारा मोस्टली फ्रंट एंड का पार्ट कवर्ड है, बट एक चीज रह गई है विच इज फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। आज की डेट में फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज वो तुम्हारी चीजें फास्ट कर देता है, जेनरिक बना देता है, राइट, कि एक बटन मैंने यूज कर रखा है, यही बटन मुझे 10 जगह यूज करना है वेब पेज पे, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं? तो उसके लिए रिएक्ट में होता है, एंगुलर में होता है, और हमारे पास जो गाइड पाथ है वो रिएक्ट में है, राइट। तो रिएक्ट का एकदम बेसिक से बनाया हुआ है कि रिएक्ट को जब इनिशियली क्यों यूज करते हैं, क्या फर्क होता है, npm वगैरह की चीजें पढ़नी होती है, npx वगैरह की चीजें पढ़नी होती है, राइट। रिएक्ट को एक अच्छी रिएक्ट लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट से वो कैसे लिंक होती है, APIs कैसे कॉल करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है रिएक्ट में, राइट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पूरा गाइडेड पाथ है जिसके अंदर पूरा एंड टू एंड अगेन नोट्स एंड MCQs के साथ कवर्ड है। छोटे छोटे तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे जिनको अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें रिएक्ट भी अच्छे से आ जाएगी। तो हमने वो रिएक्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, स्टेट्स वगैरह कैसे सोचते हैं, कॉम्पोनेंट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, जो मैं बात कर रहा था एक ही बटन होगा लेकिन वो 10 जगह यूज हो जाएगा, स्टेट्स वगैरह काफी चीजें तुम्हारे को आसान कर देती हैं। इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है बट एक बार ही समझ में आ गया तो तुम एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो और तुम्हारा जो कोड है वो ओवरऑल हर जगह यूज हो जाता है। सो दैट्स द पावर ऑफ रिएक्ट। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा HTML, CSS, JavaScript के बाद रिएक्ट का गाइड पाता है उसको फॉलो करो, उसमें भी तुम्हें अमेजिंग तरीके से लर्निंग होगी। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा नहीं देने, नोट्स है, MCQs है, उनसे अच्छे से तुम सीख सकते हो। बस मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम इनसे नहीं सीख पा रहे हो तो हमारे पास कोर्स भी है, दैट इज नॉट फ्री, बट वहां पर फैकल्टी अच्छे से पढ़ा रही है, वहाँ डाउट सॉल्व होते हैं, वो सब चीजें कोर्स में होते हैं, तो दैट इज नॉट फ्री, उसके लिए पेड है, वो भी तुम हमारी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्स। वंस रिएक्ट इज डन, राइट, मोस्टली हमारा फ्रंट एंड का पार्ट डन हो गया, बट बिना बैक एंड के तो क्या ही होने वाला है, राइट। डेटा कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा और इसलिए हमारे पास एक बैक एंड के अंदर देखो बहुत चीजें होती है, रूबी ऑन रेल्स होता है, जैंगो विद पाइथन होता है, बट आज की डेट में नोट जीएस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, राइट। डिफरेंट स्टार्टअप्स अगर तुम देखोगे, डिफरेंट बड़ी कंपनीज भी देखोगे तो वो लोग नोट जीएस पे शिफ्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि एक तो जावास्क्रिप्ट ही यूज हो जाती है और चीजें आसान है, मतलब कंपैरेटिवली जो आज की डेट में चैटिंग एप्स बनानी होती है वो सब नोट जीएस से करना आसान हो जाता है, राइट। तो जो क्लाइंट फेसिंग एप्स है कि तुम चैटबॉट्स देखते होंगे, चैट अच्छे से कर पा रहे हो, वो सब चीजें नोट जीएस से बहुत आसान हो गई हैं। तो हमारे पास एक नोट जीएस का भी गाइडेड पाथ है जिसका मैंने रोड मैप बनाया था एक बैकएंड डेवलपर का, उसमें जो चीजें सीखते हैं हम नोट जीएस में, राइट, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, HTTP रिक्वेस्ट कैसे मारते हैं, नोट जीएस को कैसे सेटअप करते हैं, डेटाबेस हो गया MongoDB से कैसे कनेक्ट करते हैं वगैरह चीजें जिससे कि डेटाबेस में चीजें स्टोर हो पाए, राइट, डिफरेंट डिफरेंट APIs कैसे बनाते हैं, डिफरेंट अच्छे से बैकएंड डेवलपर कैसे बनते हैं, जो भी हमें करना है वो इस नोट जीएस के गाइडेड पाथ में पूरा एंड टू एंड कवर्ड है। बहुत ही अच्छे से सोच समझ के हमारी कॉन्टेंट टीम ने बनाया है, राइट, डिफरेंट लोग जो लोग नोट जेएस में अच्छे उनके गाइडेंस ले लेके हम लोगों ने बनाया है। क्वालिटी की एश्योरेंस पक्का मिलेगी तुम्हें इन सारे गाइडेड पाथ्स को करने के बाद, तुम्हारा फ्रंट एंड भी हो जाएगा, तुम्हारा बैक एंड भी हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ ग्रेट फुल स्टैक वेब डेवलपर, राइट। HTML सीखना है तो फंडामेंटल्स ऑफ HTML का गाइड पाथ है, CSS करना है तो CSS का गाइड पाथ है, जावास्क्रिप्ट करनी है तो जावास्क्रिप्ट का गाइड पाथ है, नोट्स, MCQs, कोडिंग क्वेश्चंस के साथ, उसके बाद अगर React सीखना है तो React का गाइडेड पाथ है पूरा एकदम ढंग से, फ्रंट एंड कैसे कनेक्शंस वगैरह होती हैं, कैसे APIs बनाते हैं, स्टेट्स कैसे होती है, React का पूरा हो गया, और लास्ट में एक Node.js का गाइडेड पाथ है जो पूरा बैकएंड का है, अच्छे से उसको भी फॉलो करोगे तो तुम्हें Node.js पे अच्छे से आ जाएगी। तो हम फ्रंट एंड भी कर लिया, हमने बैकएंड भी कर लिया, एंड नाउ वी आर रेडी टू डिलीवर एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, राइट। तो मैंने एक छोटा सा रोड मैप बना के उनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से गाइडेड पाथ्स हैं वो तुम्हें अच्छे से बता दिया। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास बहुत सारे टाइप के गाइडेड पाथ्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है, डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, कॉम्पिटेटिव भी है, मशीन लर्निंग भी है, लाइक C++, जावा, पाइथन, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक सीखने हैं वो भी हैं, ऊप सीखना है वो भी हैं, OS, सिस्टम डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क, डिफरेंट जो तुम बोलोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग गाइडेड पाथ्स हैं,
और भी गाइड पास पे वर्क हो रहा है, हम लोग रुकते नहीं है और गाइड पास लाते रहेंगे। तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो कि ये गाइड पास हमें चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताओ। ये तुम्हारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की रिकमेंडेशन थी, हमने बनवा दिया, थोड़ा टाइम लगता है बट बन जाता है। कोई और रिकमेंडेशन विच यू फील इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसके लिए हमारे को कमेंट बॉक्स में बताओ, हम डेफिनेटली उन गाइड पास पे वर्क करेंगे। इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फीडबैक हो यार गाइड पास में ये काम करना है, ये इंप्रूव कर दो तो और अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली शेयर विद अस। हम फीडबैक्स पे बहुत सीरियस होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उनको बताओ। अच्छे फीडबैक है तो वो भी बताओ, उससे थोड़ी मोटिवेशन बढ़ती है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम जो खराब कर रहे हैं वो भी हमें बताओ। सो डेफिनेटली दोनों चीज़ों को हम अच्छे से सुनते हैं, और वीडियो को अगर लाइक एंड शेयर कर दोगे तो इसकी रीच बढ़ती है, लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादा फीडबैक्स होते हैं और हम लोग अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें और आने वाली हैं, सो मिस मत करो। एंड नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा देना अगर अभी तक नहीं बजाई है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें कवर्ड है, कुछ और हो दिमाग में तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। एंड डेफिनेटली आई होप यू विल एंजॉय द रिसोर्स, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से लर्निंग करो एंड अच्छे से फोड़ो अपनी जिंदगी में। ओके, गुड लक।